कोचिंग क्लासेस, तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 5.3 हमें स्टार्ट करनी है एनसीईआरटी की सीबीएसई बोर्ड के अंदर। इस एक्सरसाइज को करने से पहले, जैसे कि मैं हर एक एक्सरसाइज के शुरू में बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जो हमें अच्छी तरह आने चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और आप लोगों को मैं अच्छी तरह बता चुका था कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बाकी जो दो एंगल होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई इसके अपोजिट साइड में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि जो अदर टू एंगल है, इन दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो वही कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, अगर मैं इस वाले को थीटा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब आपको कंसेंट्रेशन के केस मालूम ही होते हैं। तो अब जैसे इस वाले केस, ये हमने पूरा समझ दिया है, अब इसके लिए मैं अगर मान लो केस फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट केस में अगर मैं आपके लिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, तो आपको अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, तो थीटा के अपोजिट क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगी अभी, सो यानी कि अगर हम बात करें पी बी पी अपॉन एच एच बी के ऊपर, सो साइन थीटा अगर नहीं एंगल है तो इस केस में परपेंडिकुलर साइड ये वाली होगी, तो फॉर्मूला कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है यहाँ पे ए सी। आई होप ये आपको साइन की वैल्यू निकालना बहुत अच्छी तरह आता होगा। अब इसी बात को गौर फरमाएं, अगर मैं सेम वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं अगर इधर वाले एंगल के लिए वैल्यू निकालूं, आपको मालूम है जब ये वाला एंगल हम कंसीडरेशन करते हैं तो सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड क्या बन जाती है परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या बन जाती है बेस, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आप देखें, अगर आप कॉस का फॉर्मूला देखें क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इस केस में अगर देखें तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है ए सी। आपने नोटिस किया, ये आपको बहुत अच्छा आता होगा। अब एक सिंपल सा देखिए, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है ए बी अपॉन ए सी, और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है ए बी अपॉन ए सी। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से कि अगर आपके पास cos 90 माइनस थीटा है तो उसको आप क्या ले सकते हैं, साइन थीटा। क्या ले सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा ले सकते हैं आप, साइन थीटा। अब इसी तरह अगर हम और की वैल्यूज निकालना चाहें फटाफट से, एक मिनट, आप समझ रहे हैं इसको, इतना समझ आ गया आपको सबको, ओके ओके। जैसे कि आपने सीख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है, वो मैंने आपको अभी निकाल के बताया। तो उसी तरह मैंने आपके आपको और समझा के समझाने का दोबारा से एक बात ये क्या था, हमने ट्राइंगल लिया, तो जब हम ये वाला एंगल थीटा कर रहे हैं तो मैंने इसका केस वन ले लिया, तो थीटा के अपोजिट सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, सामने क्या हो गया आपका बेस। तो आपको तीनों पता लगे कि इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, मतलब ट्राइंगल में ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, तो सामने बनाया तो उसके सामने परपेंडिकुलर ये होगी, तो इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी बी सी, और बेस की वैल्यू होगी भी हाइपोटेन्यूज सेम रहती है। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल अब इस वाले केस को ट्राइंगल करते हैं, अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी ए बी अपॉन ए सी, इस वाले ट्राइंगल से कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कॉस थीटा फॉर्मूला पता ही क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह अगर आप साइन की इस वाले से साइन की वैल्यू निकालेंगे एंगल कंसीडर करके तो दोनों वैल्यू सेम आती है। इसी तरह टैन के आप इस ट्राइंगल पे निकालेंगे और कॉट की उस ट्राइंगल से निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। इसी तरह इसकी कॉस थीटा की निकालेंगे और जब सेक की निकालेंगे तो वैल्यू आपकी सेम आएगी। इधर आप अगर आप सेक थीटा की निकालेंगे और जैसे कॉसिक 90 में थीटा निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो इससे तो जैसे कि आप जानते हैं जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है वो सिर्फ ये समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। बस आप ये अपने यू नो ये आपकी मेमोरी में होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सो अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 आएगी वो बिल्कुल इसमें बेस है। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि आइडेंटिटी हमारे आई कैसे, ये हमने कैसे डिराइव करी। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।